हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 की मॉडिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस बाइक को मॉडिफाई कराते हैं तो आपको किस किस बात का ध्यान रखना है? तो फ्रेंड्स, ये बाइक है BS6 और दोस्तों इसमें आप BS4 की तरह किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें लगे हुए हैं सेंसर। अगर आप सेंसर से कुछ भी छेड़खानी करेंगे तो फ्रेंड्स आपके बाइक में जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, इस बाइक में आप क्या मॉडिफिकेशन करा सकते हैं और क्या मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर दोस्तों आप इसमें मॉडिफिकेशन कराते हैं तो दोस्तों इस बाइक में आपका जो है नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पहले की बाइक में दोस्तों ऐसा नहीं होता था। पहले दोस्तों जो BS4 बाइक आती थी इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन नहीं मिलता था, लेकिन दोस्तों BS6 बाइक में आपको यहाँ पर इस टंकी के अंदर फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है। इसमें दोस्तों एक मोटर लगी होती है। अगर आप इस बाइक की वायरिंग के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो दोस्तों ये मोटर ख़राब हो सकती है और इसमें आपका लंबा खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं जो आजकल बाइक BS6 आ रही हैं उन सभी में दोस्तों आपको फ्यूल पम्प मिलेगा। बहुत कमी बाइक है जिसमें दोस्तों आपको फ्यूल पम्प नहीं मिलता है, और दोस्तों ज़्यादातर बाइक में आपको जो है फ्यूल पम्प सिस्टम मिलता ही है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो लगी होती है इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। तो दोस्तों ऐसे मॉडिफिकेशन में हमें ध्यान रखना है कि इसकी वायरिंग के साथ दोस्तों कोई भी छेड़खानी हमें नहीं करनी है। अगर दोस्तों आप इसकी वायरिंग के साथ कोई भी छेड़खानी करते हैं तो दोस्तों अगर इस बार इसकी वायरिंग कट करते हैं तो दोस्तों जो कंपनी है इसकी वारंटी नहीं देगी और आपकी वारंटी हो जाएगी ख़त्म। ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों कोशिश करें इसके वायरिंग के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करें। और दोस्तों BS6 की बाइक है, इसमें आप बॉडी में कोई भी मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप वायरिंग से रिलेटेड कोई भी मॉडिफिकेशन इसमें ना कराएं। अगर दोस्तों वायरिंग में आपका कट लग जाता है या दोस्तों आपकी वायरिंग दोस्तों शॉर्ट हो जाती है तो कंपनी इसकी कोई भी वारंटी नहीं देगी और आपकी दोस्तों बाइक जो है अगर ख़राब हो जाती है तो दोस्तों आपको कोई भी वारंटी जो है नहीं मिलेगा। कंपनी सीधे हाथ खड़े कर देगी कि इसने आपने इसके जो है वायरिंग के साथ छेड़छाड़ करी है। तो दोस्तों आप बॉडी से रिलेटेड आप कोई भी मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, जैसे टेपिंग करा सकते हैं। और फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर आप मॉडिफिकेशन कराना ही चाहते हैं तो दोस्तों आपको ऐसी शॉप से मॉडिफिकेशन कराना जिसको इसके बारे में जानकारी हो। दोस्तों वो मॉडिफिकेशन करे, कपलर टू कपलर करे, कोई भी दोस्तों वायरिंग कट ना करे और दोस्तों उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, उसी बंदे से आप जो है अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन कराएं। तो दोस्तों मेरा सीधा साधा यही कहना है कि आप अपने बाइक की वायरिंग के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करवाएं तो दोस्तों आपकी बाइक के लिए अच्छा रहेगा। अगर दोस्तों आप मॉडिफिकेशन कराना ही चाहते हैं तो आप इसकी जो है लाइट में जो है LED बल्ब लगा सकते हैं, इंडिकेटर चेंज कर सकते हैं, दोस्तों छोटी मोटी जो है मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बाइक में जो लगा हुआ है फ्यूल पंप, अगर आपकी वायरिंग शॉर्ट होती है तो दोस्तों इसमें जो है फ्यूल पंप लगा हुआ है उसके अंदर है पेट्रोल, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वायरिंग को जो है कट कराने से छेड़खानी कराने से बचें और अपनी बाइक और अपने लाइफ की जो है सुरक्षा करें। तो दोस्तों इतना ही कहना था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपके इसके नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा कि आप किस किस पार्ट का इसका मॉडिफिकेशन करा सकते हैं जिससे आपकी जो है वारंटी अवॉर्ड नहीं होगी और कोई भी चालान नहीं होगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।